अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग एक रेस्टोरेंट पे बना रही हूँ, बहुत अच्छा है, कराची में लोकेटेड है। एंड मेरे बच्चे बड़े स्लीपी हो रहे हैं क्योंकि वो स्कूल गए थे, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। ये है ज़ादर रेस्टोरेंट, जो कि लोकेटेड है DHA फेस 2 में। आज का रिव्यू है इसके एम्बियंस पे, इसकी फूड क्वालिटी पे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। हम एंटर हो चुके हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। ये इसका एम्बियंस है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, मतलब छोटे छोटे से टेबल्स लगाए हुए हैं। ये बाहर का व्यू है, एज यू कैन सी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था जिस दिन हम लोग गए थे। एंड ये किचन है पूरा, इसको मैंने कवर किया है। ये ज़्यादातर का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा डिसेंट सा यहाँ पे डेकोरेशन हुई हुई है। बहुत अच्छी सी मुझे एक वाइब आ रही थी जब मैं एंटर हुई। अब आप लोग सोच होंगे कि रश क्यों नहीं है, बिकॉज मैं गई थी थोड़ा सा डे टाइम में ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकूं। अच्छा, मैंने जशान को फ़ोन दे दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी बच्चों के साथ, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप इसकी जो है एम्बियंस की वीडियो वगैरह बना दीजिएगा, तो जशान बना रहे थे। तो ये हम सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं सेकेंड फ्लोर पे, और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी कि मैं फ़ोन ले लूँगी, बट जशान ने पूरा ही व्यू करवा दिया। मतलब वो वीडियो बना रहे थे पूरे एम्बियंस की। अच्छा, ये एम्बियंस है इसका पूरा, बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा मुझे ये लगा। अच्छा, ये जो प्लांट्स थे ये भी मुझे बड़े प्यारे लगे थे, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए थे इन्होंने, ग्रीनरी की हुई थी। मैंने कहा थोड़ी सी मैं अपनी भी बना लूँ ताकि मैं भी थोड़ी सी शो हो जाऊँ व्लॉग में। एम्बियंस एम्बियंस और फूड फूड ही ना हो सिर्फ, तो आप लोग बोर ही हो जाओगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने आप को भी दिखा दूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे, ऊपर जो हैंगिंग हुई हुई थी प्लांट्स की, आर्टिफिशियल प्लांट्स की। ये मुझे ना हर रेस्टोरेंट में बड़ा अच्छा लगता है जब एम्बियंस में ये चीज़ें आती हैं ना, ग्रीनरी वगैरह। और ये दोनों बच्चे जो है ना, मेरे हर जगह खेलने कूदने लग जाते हैं, इतना शोर शराबा कर रहे थे ये लोग, मुझे इतना कोई एम्बेरसमेंट हो रही थी। पहले ऐसे नहीं थे, जब से ये स्कूल जाने लगे हैं ना तब से बड़े तेज़ हो गए हैं दोनों के दोनों। अच्छा जी, अब फूड पे आ जाते हैं। तो फूड हमें आ गया था, मैंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग भी बनाना है। भाई, दो स्टार्टर ऑर्डर किए थे, दो मेन कोर्स ऑर्डर किए थे, और दो ड्रिंक्स और एक डेजर्ट ऑर्डर किया था। स्टार्टर में मैक्सिकन फ्राइज था, और हमारा जो है वो चिकन विंग्स थे विद हनी एंड पेपरिका। ये मिंट लेमनेड हमने ऑर्डर किया था, बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, जो हमने मेन कोर्स में ऑर्डर किए थे वो था पिज़्ज़ा, और ये जो स्टफ्ड आर्टिचॉक चिकन है ये भी बड़ा मज़े का था। ये बड़ा मुझे मज़े का लगा था क्योंकि इसमें सॉस थी और अंदर स्टफ्ड हुई भी ना, स्टफ्ड किया हुआ था इन्होंने वो वेजिटेबल्स वगैरह, और मैश्ड पोटैटो था, तो उसके साथ ना बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। और स्टार्टर में ना मुझे मैक्सिकन फ्राइज़ बहुत मज़े के लगे थे क्योंकि उसमें जो ऊपर उन्होंने सालसा और क्रीम डाली हुई थी ना, उससे बड़ा टेस्ट आ रहा था। अच्छा, इस रेस्टोरेंट की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि बड़ी रीजनेबल रेट्स थे इनके, और इनकी जो फूड क्वालिटी थी ना वो बड़ी इन्होंने मेनटेन रखी हुई थी। इनका चिकन फजीता पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी डो जो बनी हुई थी बड़ी सॉफ्ट सी थी, बड़ा स्मूथ टेस्ट आ रहा था, मज़े का टेस्ट आ रहा था। अच्छा, चिकन विंग्स तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज ये सिर्फ हनी इसके ऊपर डाला हुआ था और बॉयल करे हुए थे, तो इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं आ रहा था। मे बी मैं इस टाइप का नहीं खाती हूँ, शायद इस वजह से जो खाते होंगे तो मे बी उनको अच्छा लगे है। चिकन विंग्स को छोड़ के बाकी सब बहुत टेस्टी था, एंड बहुत क्वालिटी इन्होंने मेनटेन रखी हुई अपने फूड की। एज़ आई सेड बिफोर, इस रेस्टोरेंट के तीन फ्लोर्स हैं, जो थर्ड फ्लोर था वो रिजर्वेशन के लिए था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक जैसा ही एम्बियंस है। अच्छा जी, जो सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ थी मेरी वो ये थी, चॉकलेट लावा केक, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। जोहेर को तो आइसक्रीम पसंद थी, एंड जो चॉकलेट है और जो केक है वो उर्वा ने खाया, दोनों की अलग अलग पसंद है। जोहेर साहब बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि उनको जो है ये चॉकलेट लावा केक टेस्ट करना है, बट उनको मज़े का नहीं लगा बिकॉज़ वो चॉकलेट केक्स बहुत कम खाते हैं, तो उन्होंने आइसक्रीम ऊपर की ले ली। एंड उर्वा जो है वो चॉकलेट्स केक की बहुत ज़्यादा फ़ैन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाती है चॉकलेट्स वगैरह और केक्स वगैरह, ब्राउनीज़ वगैरह, तो वो उसने ले ली। मैंने कहा चलो दोनों शेयर करके खा तो रहना, एटलीस्ट ख़त्म तो हो जाएगा ना, बचेगा नहीं। तो भाई, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश कर दिया था, तो भाई आज का व्लॉग ये था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।